स्टूडेंट्स, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम कट ऑफ को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्सों के अभी भी कन्फ्यूज़न है। आज की कट ऑफ मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूं और पूरा सर्वे करने के बाद में ये फाइनली कट ऑफ सामने आ गया है। दूसरी बात, यहां पे देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके कम नंबर हैं वो निराश ना होए। मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट्सों ने कमेंट किया है मेरे पास में कि सर मेरे इतने कम नंबर हैं, क्या मेरा कोई चांस हो सकता है यहाँ पर? देखिए, चांस यहाँ पर सभी का हो सकता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पे निकल जाएंगे, वो मैं आपको रीज़न बताऊंगा इसके पीछे। लेकिन आज जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, मैंने आपको पहले भी कट ऑफ बताया है, लेकिन उससे भी आपके लिए ये कट ऑफ रहने वाली है। जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं या फिर पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सभी देखेंगे। हालांकि पुराने स्टूडेंट्स को भी बता दिया है मैंने, लेकिन आज की जो कट ऑफ है वो अलग ही है। और दूसरी बात, जो ये सर्वे किया है दोबारा से, इसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, नए कैंडिडेट जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है चैनल पे, और जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी देखें इस वीडियो को, क्योंकि जो कट ऑफ में बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने आपको पहले बताई थी उसमें काफ़ी चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं पहले। जैसा प्यारे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट नए जुड़े हैं वो सभी को मैं आपको शुरू से यहाँ पे बताने वाला हूँ। और ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दी हैं, लेकिन कट ऑफ अभी नहीं बताया है, कट ऑफ मॉडिफाई करके बताया हूँगा। और यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें, जो समय वालों को कितने नंबर मिलेंगे, टोटल कैंडिडेट और कितने नंबरों को किस तरीके से निकाला है, ये जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो सभी देखें यहाँ पर। देखिए, जिन कैंडिडेटों के 20 नंबर से कम हैं, ऐसे कितने कैंडिडेट थे जिनके 20 नंबर से कम हैं? देखिए, 6000 टोटल कितने बचे, टोटल कैंडिडेट की बात करते हैं यहाँ पे, 17,713 कैंडिडेट थे। उसमें से 20 नंबर से कम कैंडिडेट कितने ऐसे हैं जिनके 20 नंबर से कम थे? तो वो थे प्यारे स्टूडेंट्स 6000 के आसपास, लगभग बता रहा हूँ मैं। दूसरी बात, यहाँ पे कितने बच गए हुए 17000 में से? ठीक है, तो 11,713। अब 11,713 में से 30 से 40 नंबर कितने कैंडिडेट के थे? ठीक है, 30 से 40 नंबर के बीच में जो कैंडिडेट आ रहे थे वो कितने थे? यहाँ पे वो थे 4000 के लगभग। इस तरीके से 7,713 कैंडिडेट बचे। और 40 नंबर से 50 नंबर के बीच में कितने थे? जो 4000 में से 2500 कैंडिडेट ऐसे थे, और उनमें से 2,213 कैंडिडेट बचे हैं। अब देखिए, सिलेक्शन के क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, कट ऑफ एग्जैक्ट आपके पास सामने आ जाएगा, एग्जैक्ट यही रहने वाला है। ठीक है, 50 नंबर से 60 नंबर के बीच में ये हाई कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे तरीके से पढ़ाई और या पढ़ाई के साथ में जिनके पास एक्सपीरियंस भी था। ठीक है, तो उनके ज़्यादा नंबर रहेंगे, ये चीज़ आप सोच सकते हो। तो 50 से 60 नंबर के बीच में ओनली 1500 कैंडिडेट थे, जो अब बचे हैं 713 कैंडिडेट। ये 713 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 60 नंबर से भी ऊपर हैं। ठीक है, अब इनमें क्राइटेरिया क्या क्या देखा जाएगा? इनमें क्राइटेरिया आपके लिए अलग अलग क्राइटेरिया देखा जाएगा, जैसे संविदा के कितने कैंडिडेट हैं। ठीक है, संविदा के कितने कैंडिडेट थे? संविदा के कैंडिडेट जितने ज़्यादा होंगे उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मान के चलिए कोई संविदा वाला कैंडिडेट है, उसके 40 नंबर भी हैं, तो भी उसको जो है 9 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर इस तरीके से मिल जाएंगे, तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे श्योर है, अगर उसके डीबी में कोई भी प्रॉब्लम्स उसके सामने नहीं हुई है। समझ गए? दूसरी बात, अब यहाँ पे संविदा वाले कैंडिडेटों की बहुत सारी गलतियाँ मिली हैं डीबी में। ठीक है, और कट ऑफ क्यों रहेगा? कट ऑफ इसीलिए कम रह रहा है इसका, यहाँ पे देख लीजिए कितने कम लोगों के ज़्यादा नंबर हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा कैंडिडेट हैं उनके कम नंबर हैं, लेकिन कम लोगों की ज़्यादा हाईएस्ट नंबर है, तो इस वजह से कट ऑफ आपका बहुत कम रहने वाला है। ठीक है, कट ऑफ मैं आपको आगे बताऊंगा। और सिलेक्शन जो संविदा का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया था, 1 साल के 3 नंबर मिल रहे थे, उस तरीके से आप जितनी साल का एक्सपीरियंस है उस साल से उतने नंबर उनको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अब देखिए आगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ सारी बातें। ठीक है, अब ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी, अब कट ऑफ जो फाइनल जो मैंने आपको लेके आया हूँ आपके सामने, नेगेटिव मार्किंग भी थी इसमें, तो उसकी वजह से भी कट ऑफ पर डिफेंड जो है इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए, कल जो मैंने आपको कट ऑफ बताया था, कल नहीं उससे पहले जो कट ऑफ बताया था वो ज़्यादा कट ऑफ था, लेकिन अभी ये जो मॉडिफाई करके मैंने आपको बताया है ये कैटेगरी वाइज है। ठीक है, सभी कैटेगरी की यहाँ पे कट ऑफ दी गई है, और यहाँ पे जनरल की कट ऑफ इतनी है। देखिए, ये जो 41 से 52 नंबर हैं इसके बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आप सेफ जून में हैं लगभग। ठीक है, इससे ज़्यादा नंबर हैं तो आप श्योर हैं। ठीक है, लेकिन इतने नंबर के बीच में हैं, और कुछ अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो आप देखिए फाइनल जो है सेफ जून में माने जाएंगे। ठीक है, एक तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट इतना ही रहने वाला है। दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस 40 से 45, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लगभग जनरल से थोड़ी सी कम रहती है,
लगभग सेम ही होती है ओबीसी की 38 से 48 के नंबर में के बीच में, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, कुछ कैंडिडेट्स के नंबर मैक्सिमम हैं लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स को कमेंट करके बताया है कि सर मेरे बहुत कम नंबर हैं, तो कम नंबर के हिसाब से लेके चल रहा हूँ मैं। और पेपर भी को भी आपने देख ही लिया होगा, जान लिया होगा किस तरीके से कट ऑफ रहने वाली है, आप भी अनुमान लगा सकते हो। एससी 30 से 35 नंबर, ठीक है, और एसटी 30 से 33 नंबर, एससी एसटी की कमी रहने वाली, बहुत कम रहने वाली। एससी एसटी वालों के नंबरों वालों का सिलेक्शन यहाँ पे लगभग हो जाएगा, अगर बहुत कम नंबर हैं उनके तो मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज़ यहाँ पे लगभग कैंडिडेट का सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अब रही बात डीवी की, देखिए डीवी सबसे बड़ी चीज़ डीवी है, डीवी में जो पास होगा वही फाइनलिस्ट में यहाँ पे देखने को मिलेगा। डीवी में किसी ने गलती कर दी, चाहे वो कितने भी नंबर लेके आया हो, डीवी में वो पास नहीं हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं है नंबरों का, लेकिन वैकेंसियाँ भरी जाएंगी तो इस तरीके से अदर स्टूडेंट्स को भी मौका मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कट ऑफ है आज की, ठीक है, और आप अपनी कमेंट करके बताइए कि आपके कितने नंबर थे, एग्जैक्ट बताइए। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट नहीं किया है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन कमेंट करोगे उससे और जो है आपके अच्छे तरीके से। लेकिन ये सारा डिटेल में सर्वे करने के बाद में ये हमारे सामने डाटा आए हैं, ये हमने आपके सामने रख दिया। उम्मीद करता हूँ ये डाटा आपको अच्छे लगे होंगे और इतनी ही रहने वाली है। ठीक है, जैसे ही कोई आयोग के द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन लेटर या फिर ऑफिशियल कट ऑफ आती है, वो जल्दी से जल्दी आपको सूचित किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन अपने आप ही आ जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कोई भी कैंडिडेट हो, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी से आपके लिए नए अपडेट लेके आते हैं आयोग के द्वारा। जय हिंद, जय भारत।